जी, लेकिन अगर टाइमिंग को लेकर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं तो ये टाइमिंग का सवाल बनता है क्या? अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल हायरार्की के साथ कार्रवाई हुई है। पहले कुछ लोग पकड़े जाते हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया तक जांच पहुंचती है, मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, कुछ सरकारी गवाह बनते हैं, संजय सिंह गिरफ्तार होते हैं और अब पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल। तो ये तो चरण दर चरण कार्रवाई बढ़ती चली गई ना, और बिना लीड के, क्योंकि आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिना लीड के, बिना पुख्ता सबूत के किसी को यूं ही नहीं बुलाया जाता पूछताछ के लिए। सर बीजेपी तो जब मौका आता है सीबीआई के अफसर बन जाती है, ईडी के अफसर बन जाती है, खुद ही पुलिस बन जाती है, खुद ही न्यायालय बन जाती है, खुद ही इंक्वायरी करती है, खुद ही फैसला सुना देती है। आप इस बात को समझिए, हमने देखा पिछले समय के अंदर कई प्रदेशों की सरकारें ईडी के द्वारा गिराई गई। आप जिस प्रकार हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी और सर, लेकिन सज्जन भुजबल ये मामला अलग है ना सर। जब अरे आपके नेता जो शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं, वो लगातार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं। आप लोग बेल का ग्राउंड तैयार नहीं कर पा रहे हैं सर इस मामले में। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है वो पाक साफ हो जाता है। मैं निकट जी इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ईडी जो सही में क्रिमिनल है, जो जो आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, चाहे ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, वहां तक तो कभी पहुंच नहीं पाई ईडी, ना सीबीआई पहुंच पाई। देखिए ईडी का तो मामला ऐसा है कि ईडी को लेकर ही विपक्षी दलों की ओर से कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके उसके कार्याधिकार को बिल्कुल तय किया है। तो वो अगर आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक देश की एक स्वतंत्र एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन परविंदर जी मुझे ये बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने 388 करोड़ के मनी ट्रेल को तो माना, तो आप उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? उसी मनी ट्रेल के हिसाब से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने बोला टेंटिवली वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन लगती है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ, अभी वहां पे जांच चल रही है। हाँ। आरोपी है कोई सर, यही तो मुद्दे पर आ गए आप। अगर जांच चल रही है और जांच में अगर लगता है कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए, तो फिर सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे भाई साहब, इतना बड़ा इशू क्या आज नहीं तो दो, ये बड़ा इशू नहीं है। ईडी उनसे पूछताछ कर लेगी, वो कॉपरेट कर देंगे, वो कोई बड़ा इशू थोड़ी है। अगर अगर ईडी उन्होंने ईडी के देश की जनता आपको क्या जज करेगी सर? वो आपने क्या क्या कहकर वोट मांगा है सर, जानते हैं आप? हमसे कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, एक आरोप लगे तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, ये कहते थे आप भाई साहब। अगर आप और आज कह रहे हैं मुद्दा ही नहीं है बड़ा। 5% विपक्षी पार्टियों को टारगेट करेंगे और भारतीय जनता। अरे सर, तो यहाँ तो सबूतों के हिसाब से कार्रवाई हो रही है ना सर। आप मेरे को बात पूरी, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा सर? परविंदर जी, जिसमें मनीष सिसोदिया की बेल को मंजूरी नहीं दी गई, वो जजमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें तो बहुत सारे क्लॉज है। नहीं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर का जो जो कमीशन था वो बढ़ा दिया गया? 338 करोड़ रुपए ट्रेल की बात कहां से आई सर? उसके अंदर कुछ नहीं मिलना आप ईडी को। अरे तो सर, अगर कुछ नहीं मिलना तो आपके नेताओं को बेल क्यों नहीं मिलती? करके आप अपने विपक्षी, परविंदर जी आपसे बातों को घुमा रहे हैं, विपक्षी आप सवालों पर बातों को घुमा रहे हैं। नहीं हरा सकते। अगर अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो बेल क्यों नहीं मिल रही? किसी के ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। तो सर जांच तो होने दीजिए, जांच जांच करने के लिए आपके नेताओं को बुलाते हैं, वो पहुंचते नहीं है। निकट जी, ये आरोप बार बार लगते हैं कि एक तो टाइमिंग चुनाव की, तो ईडी सक्रिय हो जाती है। वो कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता अगर बीजेपी में चले जाए तो आरोपों की कोई बात ही नहीं होगी। फिर अनुराग जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप खामखां परविंदर जी पर इतना जोर जबरदस्ती से उनसे पूछना चाह रहे हैं। आप देखिए, आप प्रेस वार्ता देखिए, चाहे राघव चड्ढा जी कर रहे हो, चाहे आतिशी जी कर रही हो, बड़े बड़े विधायक, नेता, मंत्री इन लोगों के जवाब नहीं दे पा रहे, स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे, तो आप परविंदर जी इस बात पर चर्चा कर पाएंगे? मुझे लगता है देखिए पानी पीने की जरूरत भी पड़ गई। खैर, अब मैं आ जाती हूँ आपके सवाल। अनुराग जी, मुझसे पहले आपने जवाब दे दिया। अरे परविंदर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, रुकिए। देखिए, आप देखिए लगातार अनुराग जी, ये कोई पहली दफा है तो नहीं कि आज अरविंद केजरीवाल को ऑल ऑफ अ सडन नींद से जगा के बोला हो कि चलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा। पिछले 3 साल से 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन को आज तक बेल नहीं मिली है, 1 साल से ऊपर हो गया जेल के सलाखों के पीछे। मनीष सिसोदिया को छठी बार बिल रिजेक्ट करिए कोर्ट ने, ये कोर्ट का निर्णय। अरे सर, कोर्ट का निर्णय सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोलने दूंगा आपको, ये तो कोर्ट का निर्णय है सर, बेल देना ये कोर्ट तय करेगा। दिनेश अरोड़ा ने खास तौर पर इस बात को कहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने ये सारी चर्चा होती आई है,
ये लगातार जो ट्रेल है ये अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे बनती आई है। वो अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने दोस्तों को प्यादों की तरह इस्तेमाल करके अपने आप को पोर्टफोलियो फ्री रखकर इन लोगों को प्यादों की तरह बनाकर और जेल में भिजवा दिया, लेकिन आज साफ बात साफ है और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन हैं और यही कारण है कि आज वो भाग गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उनका जवाब उनके पास नहीं है। जो व्हाट्सएप ट्रेल इन लोगों ने गायब करी है, फोन्स डिस्ट्रॉय करे, 38 करोड़ का घोटाला हुआ है, इन सबके जवाब नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। जो लगातार इतनी प्रेस वार्ता करते आए हैं, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अगर छींक भी देते थे ना तो अरविंद केजरीवाल को प्रेस वार्ता करनी याद आ जाती थी कि आज मोदी जी ने छींक दिया तो मैं प्रेस वार्ता कर लेता हूं। इस पर कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है। इनके इतने बड़े बड़े नेता लेकिन, मंत्री लेकिन मुझे 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 निकट जी एक लाइन में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि फिर बीजेपी क्या जानबूझकर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए चुनाव की टाइमिंग्स को देखते हुए? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ आज ईडी ने जब कार्रवाई करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट को सौंपी है तो कोर्ट क्या कर रहा है? कोर्ट कह रहा है कि हम बेल नहीं देंगे, तो बात साफ है ना। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, देश की जनता देख रही है कि कोर्ट कह रहा है। ये वैलिड पॉइंट है परविंदर जी।